Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm baço. Umayet hai ki aap khair ve afiyet se honge. Baço, aaj humara jo topic hai, kal maine aapko padhaya gender, aur aaj main aapko padhana ja raha hoon, common noun and proper noun. Aapki book, apni book kholo, page number 13, wahan pe common noun and proper noun. Common noun kya hota hai, proper noun kya hota hai? मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करूं नाउन क्या होता है पहले उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन क्या होता है प्रॉपर नाउन क्या होता है नाउन नाउन इज अ नेमिंग वर्ड नाउन इज अ नेमिंग वर्ड या ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन या एनीथिंग दैट वी कैन सी फील एंड ऑब्जर्व इज कॉल्ड नाउन नाउन को उर्दू में बोलते हैं इसम हां जो किसी चीज जगह या जानवर वगैरह इनका नाम जाहिर करे उनको बोलते हैं नाउन कॉमन नाउन क्या होता है कॉमन नाउन होता है कॉमन नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग कॉमन नेम जो कि जनरल नेम होता है जो कि सेम होता है हा? जो कि एक ग्रुप का सेम होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन का मतलब है स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर खास नाउन पर्टिकुलर पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग इनको उर्दू में बोलते हैं इसमें नकरा और इसमें मारफा अच्छा अब यहां पे मैंने कुछ आपको समझाने के लिए कुछ यहां पे कॉमन नाउन्स दिए हैं और प्रॉपर नाउन्स भी दिए हैं रिवर ये कॉमन नाउन क्या होता है जो आम नाम होता है जो कॉमन होता है जैसे पर्सन का जगहों का कॉमन होता है जैसे चीजों का कॉमन होता है जैसे अच्छा ये यानी जो जनरल नेम होता है जैसे पर्सन का मैं एक मैन हूं और जो भी मतलब मेल ग्रुप में वो सारे तो उनको हम कहते हैं मैन और मेरा नाम है सज्जाद सर तो मैं मेरा नाम जो है प्रॉपर है इसी तरह गर्ल्स है कि गर्ल नाम जो है जैसे चाइल्ड है ये क्या है ये कॉमन है और उनके जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं किसी का आयशा होता है किसी का कोई और नाम होता है वो है प्रॉपर नाउन अब यहां पे मैंने दिखाया रिवर मैं आपको एग्जांपल थोड़ा समझाना चाहता हूं मैं लिखूंगा यहां पे आई विजिटेड एवरीवन अब रिवर क्या है मैंने एक रिवर को विजिट किया किस रिवर को हां इसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किस रिवर को मैंने विजिट किया तो यह है कॉमन ये क्या है कॉमन जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन ना हो अगर मैं लिखूंगा आई विजिटेड रिवर जहलम आई विजिटेड द रिवर जहलम तो यहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इसने किसको विजिट किया रिवर जहलम को दरियाई जहलम को तो यह क्या है यह है प्रॉपर नाउन उसके बाद मैंने लिखा है बॉय बॉय एंड बुरहान मैं यहां अगर मैं यहां लिखूंगा आई एम ए बॉय मैं एक लड़का हूं तो ये बॉय क्या है बॉय कॉमन है माय नेम इज बुरहान मेरा नाम बुरहान है तो ये बुरहान क्या है खास नाम जिसे मैं पहचाना जाता हूं जिसे लोग मुझे जानते हैं इसके बारे सिटी आई लिव और मैं ऐसे लिखूंगा आई लिव इन श्रीनगर आई लिव इन श्रीनगर श्रीनगर इज अ बिग सिटी इट इज अ बिग सिटी तो सिटी क्या है यहां पे सिटी शहर है या कोई भी शहर हो सकता है हां कोई भी शहर हो सकता है तो मैंने लिखा श्रीनगर ये खास शहर का नाम है जैसे यहां पे डिस्ट्रिक्ट है मैं डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं तो डिस्ट्रिक्ट क्या है और मैं कहूंगा मैं डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं तो डिस्ट्रिक्ट क्या है ये कॉमन नाम है ये श्रीनगर भी एक डिस्ट्रिक्ट है बारामूला भी एक डिस्ट्रिक्ट है अच्छा इसी तरह कुपवाड़ा भी एक डिस्ट्रिक्ट है अगर मैं कहूंगा कि मैं रहता हूं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो कुपवाड़ा क्या है कुपवाड़ा प्रॉपर नाउन है इस तरह पार्क आई विजिटेड अ पार्क मैं एक पार्क में घूमने गया तो किस पार्क में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यह है कॉमन नाउन
अच्छा इसी तरह अगर मैं कहूँ आई विजिट इकबाल पार्क या आई विजिट किटी पार्क आई विजिट ट्यूलिप गार्डन तो यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन है कि हमने किस पार्क को विजिट किया या मैंने किस पार्क को विजिट किया। अच्छा इस तरह बहुत जो वहां पे दिए गए हैं बुक पे जो ऊपर ऊपर की एक्सरसाइज जो है उसमें आपको ढूंढने हैं क्या ढूंढने हैं आपको कॉमन नाउंस जैसे द बस इज रनिंग ऑन द रोड तो बस क्या है कॉमन नाउन है रोड क्या है कॉमन नाउन है इसी तरह तो नीचे जो दिए गए हैं वो है प्रॉपर नाउंस वहां पे आपको ढूंढने हैं प्रॉपर नाउंस। तो आप एक काम करोगे आप जो ऊपर की एक्सरसाइज है पेज नंबर 13 पे जो प्रॉपर और कॉमन नाउन की एक्सरसाइज है ऊपर वाले एक्सरसाइज में आप ढूंढोगे कॉमन नाउंस उनको आप अंडरलाइन करोगे और नीचे जो है नीचे वाले एक्सरसाइज वहां पे आप प्रॉपर नाउंस को अंडरलाइन करके मुझे सेंड करोगे या आप अभी रात पे लिखोगे बाद में मैं इसकी फोटोग्राफ आपको अच्छे से भेजूंगा। थैंक्स।